दरअसल जी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और वो भी ऐसे इलाके में जो कभी काफ़ी हसास माना जाता था, थोड़ा बहुत क्या बताएं। देखिए ये हमारे लिए खुशनसीबी है, तमाम कश्मीरियों के लिए, खासकर डाउनटाउन के लिए, कि यहाँ पर इस इलाके में जो तो कभी सोचा भी नहीं था, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, वहाँ पे आज हम हैं। और यहाँ पे आज एलजी साहब ने जिस इंडोर स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया, ये मानो कि हमारे लिए ख्वाब से कम नहीं है। और यहाँ का यूथ जो दूसरी तरफ जा रहा था, नशे की तरफ, बाकी चीज़ों की तरफ, अब वो खेल कूद में अपना जी जान लगाएगा और अपना नाम भी रोशन करेगा, अपने जम्मू कश्मीर का नाम भी करेगा रोशन, इंशाल्लाह रहमान उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। और जो तरक्की की राह पे सपोर्ट्स गामजन हो रहा है, उसके लिए हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देते हैं। और ख़ासकर जो हमने एलजी साहब को यहाँ पे बताया कि इसमें एक रिज़र्वेशन होनी चाहिए, और एलजी साहब ने उसका वहीं पे जवाब दिया कि हम उनका रिज़र्वेशन भी नौकरियों में रखेंगे, इसके लिए हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करें। देखिए ईदगाह ईदगाह है, ये हम आज भी कहेंगे, कल भी कहेंगे और परसों भी कहेंगे। ईदगाह नाम है क्योंकि वो रखा गया है ईदगाह के लिए, जहाँ नमाज होती है ईदगाह में, और कोई चीज़ हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ईदगाह के इर्द गिर्द हमारी कोई ज़मीन है जो वक्फ की ज़मीन है, उसको हम बच्चों के लिए वक्फ करेंगे। मैम ईदगाह में तो कभी नमाज हो ही नहीं रही, कब हो सकती है? देखिए वक्त और मौसमी हालात हमेशा बदलते रहते हैं, और वक्त जब बदलता है सब कुछ होता है। मैम एजुकेशन को लेकर आप नई पॉलिसी ले रहे हैं वक्फ बोर्ड के? बिल्कुल, इंशाल्लाह रहमान वो भी, और कैंसर हॉस्पिटल का भी अभी निर्माण, अभी फाउंडेशन स्टोन हम रखने जा रहे हैं। मैम एक यूनिवर्सिटी भी वक्फ बोर्ड, यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हमारी है जिसमें वक्फ का नाम नहीं है, उसमें सिर्फ वक्फ का नाम और काम करना है। ये जो ईदगाह में अभी जो बच्चे खेल रहे हैं, क्या वो कब तक वो खाली? देखिए खाली की बात नहीं, ईदगाह ईदगाह ही रहेगा, जो इर्द गिर्द हमारी ज़मीन, जो वक्त की ज़मीन को ग्रैब किया गया है उसको खाली करके हम एक, हमने यहाँ पे ही बताया कि उसको भी हम खेलने के लिए बच्चों को दे देंगे।